इसलम डी स्टूडेंट्स आई होप यू विल फाइन एंड सेटिस्फाइड तो नो वी आर स्टार्ट टू गोइंगल नंबर नाइन पॉइंट थ्री द टाइटल इज़ डेट एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सॉलिड्स कि हम लोगों ने अब एप्लीकेशन को डिस्कस करना है किसकी जो हमारे पास आती हैं एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन की सॉलिड्स के अंदर कि कहाँ कहाँ ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है ये लागू होती हैं ये आज हम लोग जो है वो एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर फॉर डिफरेंट और इसमें से कुछ जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा बना दिए गए हैं द फर्स्ट वन इज दैट राइविटिंग राइविटिंग जो है ये वर्ड राइवर्ट से निकला है और ये क्या कहता है हमें वर्ड राइविटिंग एक ऐसा प्रोसेस है दोसेस इन विच टू मेटल प्लेट्स आर ज्वाइन टूगेदर By means of rivets is called riveting. के हमारे पास एक है, हम लोग उसकी मदद से क्या करते हैं दो मेटल्स की प्लेट को लेट एक की प्लेट ये है एक मेटल की प्लेट ये है हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसको ज्वाइन करें हम लोग इसको इस तरह ज्वाइन करने के बाद इसमें से राइवेट गुजारेंगे और उस राइवेट को जो है वो फिक्स कर देंगे तो ये दो मेटल्स प्लेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के भी जो है वो काम आती है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो मेटल प्लेट्स को ज्वाइंट करते हैं टुगेदर बाय मींस ऑफ राइवेट्स इज कॉल्ड राइवेटिंग और ये हमारे पास इस तरह के होते हैं यानी कि इसका एक कैप और ये पीछे जो है इसकी टेल हुआ करती है लेट्स सपोज एक हमारे पास ये आ जाएगी मेटल uh, प्लेट एक ये है मेटल प्लेट और ऑब्वियसली ये भी हमारे पास मेटल प्लेट है इसमें सुराख होता है हम इसके जरिए राइवेट इसमें जो है वो इन कर देते हैं राइवट इंजर्ट कर देते हैं और सबसे पहले हम राइवट को जो है वो गर्म करेंगे हॉट राइवट और हॉट राइवट हमारी बुक पर रेड कलर का दिखाया गया ऑब्वियसली जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका जो अ, अ, कलर होगा वो रेड अपीयर होगा उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि ये अपने थोड़ा सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली हमें पता है कि सॉलड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गर्म होने के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा हम इसको इसमें फ़िल कर देंगे इसमें फ़िल करने के बाद हमें हेल्प हो जाएगी कि हम लोग इसको फिर हैमर के ज़रिए थौड़ी के ज़रिए इधर से भी इसको जो है वो अगर हम जरब लगाते हैं इसके ऊपर जो है वो हैमरिंग करते हैं हैमरिंग करने से इसकी भी जो शेप है इस तरह की बन जाती है और उसके बाद जब ये ठंडा होता है तो ये राइवट जो है वो फॉर्मली ग्रिप कर लेता है अच्छी तरह दोनों प्लेट्स को जो है वो जोड़ देता है मैं बात एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास दो मेटल की प्लेट है ये रैवर्ट है इसको हमने इसमें से गुजार दिया और ये हॉट राइवर्ट है ठीक है उसके बाद आफ्टर हैमरिंग जब हम लोग यहाँ पे इसके हैमर के जरिए इसके ऊपर जरब लगाएंगे तो आफ्टर हैमरिंग ये हमारे पास ऑबियसली इधर से भी ऐसे ही इसकी जो जिस तरह ये हेड बनी है ये हेड बन जाएगी दोनों तरफ से तो ये जो प्लेट्स हैं ये एक फॉर्मली अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ ग्रिप हो जाएंगी और इधर से भी ये बंद हो जाएगा और इधर से भी ये बंद हो जाएगा और हमें जो है वो हमारा मकसद हासिल हो जाएगा पेज नंबर

राइवर्स बाय मींस के उसकी हेल्प से उसकी मदद से या उसको यूज करते हुए बाय मींस ऑफ इज कल्डिंग आर ज्वाइनिंग टू स्टील प्लेट्स इज हीटी टू मेक इट रेड हॉट एंड इज इंजर्टेड इन द होल्स ऑफ द प्लेट्स द एंड ऑफ द रन हैमर्ड इन टू द राउंड शेप उसको फिर राउंड शेप में वो कन्वर्ट कर देता है यानी कि आफ्टर हैमरिंग ये भी फिर राउंड शेप में हमारे पास आ जाता है वेन द राइवेट कूल्स द एंड कॉन्ट्रैक्ट इट फॉर्मली ग्रिप्स द प्लेट्स टू गैदर तो वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है कि प्लेट्स को जो है वो टू गैदर कर देता है नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका जो हो दूसरी एप्लीकेशन आ रही है फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील ये मैं रेस करने वाला हूँ दूसरी इसकी एप्लीकेशन लिखता हूं फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील कि ये हमारे पास है फिक्सिंग मेटल टायर ओवर द्ल इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास मेटल का एक टायर है ठीक है लेट सपोज ये क्या है हमारे पास मेटल का टायर है टी वाई आर ई ठीक है इसको हम लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास एक जो रिम है जिसको हम लोग रिम बोलते हैं कि ये वुडन व्हील है टायर ओवर द हाँ जी टायर ओवर द व्हील और ये हमारे पास मेटल का टायर, टायर है और ये वुडन व्हील है हम चाह रहे हैं कि अब हम इसको इसके ऊपर जो ग्रिप करवा दें या इसको इसके अंदर रख दें ठीक है हमें पता है इसका भी डायमीटर उतना ही इसका भी डायमीटर उतना ही है तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग इसको करेंगे हॉट इसको हम लोग हॉट करेंगे यानी कि इसको हम लोग थर्म मुहैया करेंगे यानी कि अप करेंगे जब हम लोग इसको हीट अप करेंगे हीट अप करने के बाद हमें पता है जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये हम लोग अब एक अच्छे तरीके से हमें इन आर्टिकल्स की समझ लगना शुरू हो गई है जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसका साइज इसका डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब ये इसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा हम लोग इसको इसमें ईजिली जो है वो फिटअप कर सकते हैं उसके बाद क्या होगा ये कूल होने के बाद ठंडा होने के बाद जो इसके साथ अच्छी तरह जो है ये फिक्स हो जाएगा सिंपल इतना सा प्रिंसिपल है इसका समझने का जो है एक दफा मैं बुक से भी रीड कर देता हूं पेज नंबर 129 पे फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील द मेटल टायर्स व्हिच आर फिक्स्ड ओवर द वुडन व्हील्स ऑफ द कार्ट्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन द व्हील्स व्हेन दे आर कूल्ड ऑन हीटिंग द मेटल टायर्स एक्सपेंड एंड इट्स डायमीटर इंक्रीजेस ऑब्वियसली इसको जब हम लोग गर्म करेंगे इसका डायमीटर इंक्रीज होगा

एक्सल भी बोलते हैं व्हील ठीक है कि हमारे पास ये डायग्राम में दिखाया गया है पेज नंबर ये है हमारे पास स्टूडेंट वन ट्वेंटी नाइन के इसमें एक मेट जो टायर है हमारे पास व्हील है उसमें हमने फिट करना है किसको एक्सल को ये जिन लोगों के पास जो स्टूडेंट्स बाइक्स को जो है वो पेंचर वगैरह लगाने जाते हैं या टायर वगैरह का काम करवाने जाते हैं उसमें भी एक्सल यूज़ होता है कि वो टायर के अंदर जो एक 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 रॉड्स आता है उसके ऊपर नट लगा के फिर उस टायर को जो है वो टाइट किया जाता है तो ये हमारे पास एक्सल बोला जाता है उसको दिस मैथड इज़ मोस्टली यूज टू फिट इन द एक्सल ऑफ ट्रेन व्हील्स जिस तरह अब रेलगाड़ी के पहिए हैं ऑब्वियसली गाड़ी के पहिए हैं, हैं जो हम गाड़ी चलाते हैं वो भी एक्सल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उस

के जो हब है उसका नीचे डायग्राम 9.11 में कि उसके जो है वो डायमीटर से थोड़ा सा इंक्रीज है हम लोग क्या करने वाले हैं दी एक्सल इज प्लेस इन लिक्विड नाइट्रोजन विच इज बिलो वन माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री ग्रेड टेंपरेचर हम लोग क्या करेंगे नाइट्रोजन लेंगे लिक्विड्स ठीक है उसका टेम्परेचर कितना कर देंगे माइनस बहुत ज्यादा है मसलन अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें फ्रिज का टेंपरेचर हमारे का मोस्टली माइनस फोर माइनस फाइव तक मिनिमम जाता है ठीक है तो ये हमारे पास माइनस वन नाइनटी सिक्स तक आएगा उससे क्या होगा कि एक्सल इस कदर कूल हो जाएगा इस कदर ठंडा हो जाएगा कि वो अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएगा थोड़ा सा ब्रीक हो जाएगा इट इज देन इंजर्ट इन द हब फिर उसको उस टाइम हब में इंजर्ट कर दें फिर क्या करें ऑफ द व्हील एंड इज अलाउड टू कम एट रूम टेम्परेचर जब वो रूम टेम्परेचर पर आएगा ऑब्वियसली फिर वो एक्सपैंड हो जाएगा और एक्सपैंड होने के बाद उसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा इंटू द व्हील टाइटली तो उम्मीद है स्टूडेंट आज वाले लेक्चर की भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लगी होगी ये 9.3 हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलर्ड जो था ये आर्टिकल क्लियर किया इसके तीनों क्लूज हम लोगों ने देख लिए तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए इनशाला मैं उसका आंसर दूंगा तब तक के लिए इजाजत दें हाफिज़